ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा नौवीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ एक पालमपुर गांव की कहानी चैप्टर 5। इससे पहले हमने पूर्व के प्रकरणों में पढ़ा कि पालमपुर में कृषि कार्य के अंतर्गत क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कृषि कार्य के अलावा भी पालमपुर में कौन कौन से कार्य होते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि कार्य के साथ साथ बहुत सारे व्यक्ति अन्य कामों में लगे हुए हैं। तो आइए ऐसे ही जानकारी करते हैं कि पालमपुर में 25% लोग कृषि कार्य के अलावा कौन कौन से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आता है डेयरी एवं अन्य प्रचलित क्रिया। तो इसमें देखते हैं कि डेयरी कार्य के अंतर्गत अधिकतर लोगों के पास में भैंसें हैं। लोग अपनी भैंसों के पालन पोषण के लिए कई तरह की घास और बरसात में उगने वाली ज्वार और बाजरा, जिसको चरी कहते हैं, उसको खिलाते हैं और भैंसों से जो उत्पादन के रूप में दूध होता है उस दूध को निकट का एक बड़ा गांव रायगंज उस गांव में बेच देते हैं। शाहपुर शहर में ही के दो व्यापारी हैं जिन्होंने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहाँ से वे इस दूध को दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। आइए हम आप अब एक चर्चा करते हैं जिसमें तीन किसान कृषि कार्य में लगे हुए हैं और उसका उत्पादन कार्य इस चार्ट के माध्यम से लगाया हुआ है। हम देखते हैं तीन किसान हैं। पहले किसान का जो उत्पादन होता है वो 100 क्विंटल होता है, जिसमें से वो 40 क्विंटल उपभोग कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसका 60 क्विंटल है वो अनाज अधिशेष के रूप में बचत हो जाता है, जिसको वो बाज़ार में बेच करके आगामी वर्ष के लिए पूंजी के रूप में इकट्ठा करता है। दूसरा किसान जिसके 80 क्विंटल अनाज होता है, जिसमें से वह 40 क्विंटल अनाज को उपभोग कर लेता है और उसके पास में 40 क्विंटल अनाज अधिशेष के रूप में जमा कर देता है और जिसको बेच करके वो आगामी वर्ष की पूंजी के रूप में प्राप्त करता है। ऐसे ही तीसरा जो किसान है उसके 60 क्विंटल अनाज होता है, जिसमें से वो 40 क्विंटल अनाज का उपभोग कर लेता है, 20 क्विंटल अनाज अधिशेष के रूप में जमा रहता है, जिसको वो बाज़ार में बेच करके आगामी वर्ष की पूंजी के रूप में प्राप्त करता है। तो हम देखते हैं कि तीनों किसानों में एक ही समानता है कि तीनों के यहाँ परिवारों में 40-40 क्विंटल अनाज का उपभोग किया जाता है, लेकिन उत्पादन में तीनों में ही फर्क है। परिणाम ये होता है कि जो तीसरे वाला किसान है उसके आय सबसे कम होती है। अतः इस किसान को अपनी आय को बढ़ाने के लिए अन्य किसानों के समानांतर जाने के लिए कृषि में कुछ नवीन विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए अब दूसरा जो गैर कृषि कार्य है वह है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि इस समय पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का कार्य के अंतर्गत 50 से कम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, जो कि शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और छोटे पैमाने पर ही ये अपना उपयोग करते हैं, ये बड़ी फैक्ट्रियों में काम नहीं करते हैं और उसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। विनिर्माण का ये कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में ही किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर लाया जाता है। इसी में हम देखते हैं कि दो व्यक्ति है जिसकी कहानी, एक तो मिश्री लाल की कहानी है जिसमें वह मिश्री लाल गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदता है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाता है,
पहले गन्ने को पिरोने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद करके उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को थोड़ा लाभ भी कमा लेता है। दूसरी कहानी करीम की है। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर के शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर को कंप्यूटर में कक्षा में जाते हैं। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुपयोग में डिग्री भी थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और घर के बाहर बाजार की ओर खोलने वाले कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्याओं में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ किया। तो इस दोनों की कहानियों में हमने यही अंतर देखा कि एक तरफ एक व्यक्ति ने अपना स्रोत बढ़ाने के लिए कृषि आधारित कार्य किया, जिसमें वो गन्ना खरीद करके गुड़ बनाता और बेचता, जो कि कृषि पर ही निर्भर करता है, जिसमें लाभ की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो करीम है, उसने समय की महत्ता को समझते हुए गांव में ही सबसे पहले ये कंप्यूटर का शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप उसको आय भी ज़्यादा प्राप्त हुई और बहुत सारे छात्रों को पढ़ने के लिए बाहर जाने की जो समस्या थी उससे भी उन्हें छुटकारा मिल गया। आगे आता है पालमपुर के दुकानदार क्या करते हैं। तो पालमपुर में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु बेचना। तो पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में ला कर के बेचते हैं। हम देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, साबुन, टूथपेस्ट, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के पास में हैं, अपने घर के एक भाग में एक छोटी दुकान भी खोल ली और वे खाने की चीज़ें भी बेचते हैं। चौथा बिंदु आता है परिवहन तेज़ी से विकसित होता एक क्षेत्र है। कैसे? पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले लोग, वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल है। वे लोगों और वस्तुओं को इसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ऐसी ही एक किशोर की कहानी है। किशोर जो कि एक खेतीहर मजदूर है, अन्य ऐसे ही श्रमिकों की तरह किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार के चलाने की आवश्यकता पूर्ति करने में कठिनाई आती है। कुछ वर्ष पहले वो बैंक से कर्ज भी लेता है और वो सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिया जा रहे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी और वो भैंस के माध्यम से दूध बेच करके अपनी आजीविका चलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ के माध्यम से पालमपुर में चार प्रकार के गैर कृषि कार्यों के बारे में पढ़ा। पहला था डेयरी उत्पादन से जुड़ा हुआ, दूसरा विनिर्माण से, तीसरा दुकानदारी से, चौथा परिवहन से। आइए प्रश्नोत्तर। तो पालमपुर में कौन कौन से गैर कृषि कार्य किए जाते हैं, जिसको हमने पढ़ा था। दूसरा आता है पालमपुर में छोटे दुकानदारों के द्वारा कौन कौन सी वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, ये प्रश्न आपके गृह कार्य में। धन्यवाद।